चाहिए। रेडमी नोट 8 प्रो ज़्यादा क्विक है और ये क्विक होना भी चाहिए था। सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी में थोड़ा सा डिले हो गया, वो भी ऑटो साइन इन करने में किसी भी रीज़न से लेट कर दिया इसने क्या, राइट। तो चलिए अब रैम मैनेजमेंट देखते हैं। और आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे नोट 7 प्रो ज़्यादा 6 GB रैम के साथ ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। बाकी स्पीड में नोट 8 प्रो ज़्यादा स्ट्रांग है। गाइज अब मैं सारे ऐप्स फिर से क्लियर कर रहा हूँ और इस बार सिर्फ 4 गेम ओपन करूँगा। ओके, तो 4 गेम में एसफॉल 9 उस वक्त पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हुआ था। एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। पबजी 1, 2, 3, या ऑटो लॉगिन के कारण से थोड़ा सा डिले हुआ था लास्ट टाइम, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हो इस बार लगता है इसमें प्रॉब्लम है। एस फॉर 9, 1, 2, 3। इसमें स्टार्ट हो गया है, इसमें भी स्टार्ट हो गया लेकिन कोई प्रॉब्लम है। गाइस लास्ट ऐप 1, 2, 3। ओके गाइस, तो चारों ऐप ओपन हो चुका। अब देखते हैं क्या होता है रैम का। अब जी 1, 2, 3। कॉल ऑफ ड्यूटी, एस फॉर 9। आपने देखा, यही मुझे दिखाना था इस वीडियो में कि ओवरऑल रैम मैनेजमेंट नोट 7 प्रो का ज़्यादा बेहतर है। 6 GB रैम दोनों में है। लास्ट ऐप ओपन करता हूँ, कवर फायर 1, 2, 3। ओवरऑल रेडमी नोट 8 प्रो स्पीड में एंड रैम मैनेजमेंट में नोट 7 प्रो विनर है यहाँ पे। दोनों स्मार्टफोन का कुछ और वीडियोस भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड गाइस देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स। थैंक यू वेरी मच।